खबर इटावा जनपद से, जहां पुलिस द्वारा महिला को उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर ब्लैकमेल करने एवं 2 लाख रुपए की मांग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इटावा पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गई कि कुछ समय पूर्व वह ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलती थी। इसी दौरान गेम के माध्यम से शिवम कन्नौजिया और शिवम कुमार से संपर्क हुआ तथा उसके बाद फोन द्वारा बात होने लगी तथा कुछ समय बाद उसके प्रभाव में आकर वीडियो कॉल आदि के माध्यम से बात होने लगी तथा शिवम के पास वादनी की पर्सनल फोटो पहुंच गई, जिसके बाद से शिवम कन्नौजिया लगातार वादनी व उसके पति को फोन करके धमकी देने लगा तथा 2 लाख रुपए मांग करने लगा। न देने पर सारे फोटो वादनी के परिचित लोगों को भेज देने की बात करने लगा। शिवम कन्नौजिया द्वारा वादनी की सहेली व उसके परिचित लोगों को फोटोज भेज दिए गए हैं, जिस कारण वादनी की काफी परेशान है। वक्त के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वादनी से तहरीर प्राप्त कर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करने व घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली से टीम गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा उक्त के संबंध में सभी इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित किया गया, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को बद्धेश्वर मोबाइल फोन व सिम को भी बरामद कर लिया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा वादनी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। क्या घटना आपके साथ हुई और आज आप थाने आई, क्या पूरा मामला था बताइए। ऑनलाइन गेम खेलते थे, वहां से इसने बहला फुसला के हमारे से नंबर ले लिया और हमसे मतलब वीडियो कॉल करने की मतलब वो इच्छा रखी, तो मैं वीडियो कॉल उधर से आया करती थी, मैं बात किया करते थे। इसने पहले हमसे ऐसी बातें फैला फसला के की कि कपड़े अपड़े उतरवाने की बात की, कपड़े अपड़े उतरे तो इसने मेरी वीडियो और फोटो ले ली। क्या इस व्यक्ति ने पैसे की मांग की थी? हाँ, 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, हमारे पति को ब्लैकमेल कर रहे हैं बार बार। फिर आपने थाने शिकायत की थी, कहाँ शिकायत की? महिला थाने में आप जब आई तो किससे सबसे पहले शिकायत की? हम महिला थाने परसों नहीं, यही कोतवाली में आए परसों, तब यहाँ पे आके शिकायत की, तब यहाँ से मुझे नहीं आ रहा। हमारा नाम मटरू अनवाई और वीर सिंह थाने में आए हो, क्या मामला क्या है पत्नी के साथ? ये एक्को पे गेम खेलती थी साहब, और उसने मतलब स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं, स्क्रीन शॉट और मतलब वीडियो बना के हमारे पास डाली, ये ब्लैकमेल करता है, वो 2 लाख रुपए मांगी। हाँ, कब से चल रहा था ये गेम खेलने का? ये चल रहा था लॉकडाउन से एक महीना या लॉकडाउन से ही मान लो। हाँ जी, लॉकडाउन में खाली समय में पत्नी गेम खेलती थी। हाँ साहब, मालूम कैसे पड़ा कि तुम्हारी साजिश का शिकार हो रही है पत्नी? ये अभी मुझे पता चला 2 महीने पहले, तो मैंने मतलब वो किया उसको, मैंने मोबाइल वोबाइल छोड़ दिया, मैं ये नहीं करना चाहते थे, मैं खतना हुई होगी, लेकिन वो इधर उधर वीडियो डालने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। हाँ जी, तब मैंने ये भाइया लगाई है और इस तरीके से मतलब किया, इसमें 2 लाख रुपये मांगे, नहीं तो बोला कि मीडिया पे डाल देगी हो, फेसबुक पे डाल। थाने तो अभी हम आए हैं, ये एक हफ्ता हो गया। उसने क्या बात किया? ये सब मंगवाया इसने, मतलब बोले गाड़ी भेजो, तो मैंने बोला क्या गाड़ी भेजो, और फिलहाल तो पूरी मदद की है मैंने, सही खेलते थे, टाइम पास करने के लिए बस टाइम पास के साथ साथ फिर उनकी गंदी अच्छी फोटो खींचना, स्क्रीनशॉट लेना, ये सब भी कब से चल रहा था? जी सर, अप्रैल से ही मैं बात कर रहा था। कितनी औरतों से लड़कियों से? 3-4 लड़के से बात होती, क्योंकि वो फ्रेंड का सर्कल होता था, मतलब उसी में बात होती थी। किससे तुम्हारे दोस्त सर्कल में शामिल? दोस्त मेरे, मैं ही खेलता था और बाकी सब इधर उधर से मतलब थे, वो मतलब ऑनलाइन से मतलब इधर उधर दूसरे शहर के। अच्छा, असली फोटो पहले उधर से भी आती थी, फिर मैं जब वो वीडियो कॉल करती थी एक तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए। पैसे की मांग अच्छा कहाँ वहाँ की है लड़कियाँ? जी मैं बता रहा हूँ, एक
हैदराबाद की थी, मतलब फ्रेंड सर्कल में थी, बात तो इन्हीं से होती थी मेरी और बाकी फ्रेंड के हिसाब से होती थी, फ्रेंड की तरह से सबसे। जी मैंने 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपये की डिमांड। थाना कोतवाली जनपद इटावा पर एक महिला द्वारा यह शिकायत की गई कि एक युवक द्वारा उसे, जो कि ऑनलाइन गेम खेलती थी और उस पर उससे दोस्ती हुई और उसके बाद से चैटिंग के माध्यम से उसने उस महिला के कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स उसने सेव कर रखे थे और जिसके द्वारा उस महिला को उसके द्वारा ब्लैकमेल जो है किया जा रहा था और रुपये की मांग की जा रही थी। इस संबंध में जैसे ही सूचना हमारे थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, तत्काल इसमें FIR दर्ज की गई और SSP इटावा महोदय और क्षेत्राधिकारी नगर और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा इसमें संयुक्त रूप से उस युवक को गिरफ्तार किया गया है जो युवक उस महिला को ब्लैकमेल कर रहा था और उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। आरोपित कहाँ का रहने वाला है?